हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 23। फ्रेंड्स, हमारा टेस्ट नंबर 23 है, इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख व्यक्तियों के सरनाम या सरनेम या उपनाम उनके क्या होते हैं। अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट्स जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स, ऑल स्टेट्स के जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीएसएसबी, यूपी, ट्रिपल एससी, पेट एग्जाम्स, पेट का भी सिलेबस यही है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन रहेंगे। एनडीए, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, एनएचएम से जितने भी जीके पूछी जाएगी यहाँ से कवर हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके, आपका जो भी कोर्स है। ये पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्मी, सीआरपीएफ, आर्मी जीडी, आर्मी एनए, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, समान रूप से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको अपना आंसर आए तो जरूर कमेंट करें, अपना आंसर बताएं और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सभी क्वेश्चन वही लिए हैं जो एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 1995 से 2020 या 2021 में जो अभी रेलवे के एग्जाम्स हुए थे वहाँ तक का सभी सिलेबस कवर किया गया, जो एग्जाम्स में उपनाम या सरनेम पूछे गए थे 1995 से 2021 के अब तक। ओके, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सरोजनी नायडू को जाना जाता है। किसे? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जो इससे मिलता जुलता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन ऊपर नीचे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें मोस्टली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, और इसके बाद जो भी कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चन में हम बारी बारी उसे कवर करेंगे। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 2, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहेंगे, लेडी विद द लैम्प ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहेंगे। ओके, ये नर्सिंग से रिलेटेड थी, मतलब ये पहली दुनिया की नर्स हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया की पहली नर्स किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। इनका जो सरनेम था, उपनाम था, इन्हीं को सरनेम कहा जाता है। जो उनको दूसरे नाम से बुलाया जाता है इसी को सरनेम या उपनाम कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ये जितने भी सरनेम हम आपको बताएंगे ये सभी आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो ही लिए हैं जो एग्जाम्स में कई कई बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भरत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्या? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। भरत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझे, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन जो मोस्टली लोगों में कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन नंबर 4। सभी कन्फ्यूजन आज क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्या? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, मतलब क्योंकि ये गायक हैं तो इनके जो स्वर ताज हैं उससे रिलेशन है, इनका रिलेटेड है। ओके, तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर जो पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को कहेंगे। इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे? सरोजनी नायडू को। इनके बारे में एक दो तत्व हैं वो समझ लें। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तब भी आंसर सरोजनी नायडू होगा। और जब भी पूछा जाए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजनी नायडू, ये पिछले पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया था, यूपी का जो पीसीएस एग्जाम्स हुआ था पिछले, उसमें पूछा गया था जो भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं वो कौन है, तो सरोजनी नायडू हैं। ओके, और ये एआरओ में पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, एआरओ हाई कोर्ट में भी पूछा जा चुका है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, या ये पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला उपराज्यपाल कौन है, तो सरोजनी नायडू, आप आंसर बताएंगे। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5-4 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लें, 5-5 पे पूछा गया है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका?
देख लें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखें पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अब यहाँ पर जो पूछे गए हैं हाल ही में उनको भी सिलेक्ट किया है जो हर एक स्टेट से हैं। यहाँ पर बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर है बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। जो आंध्र केसरी है टी प्रकाशम, ये एसएससी ने कई बार पूछा है आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये टी प्रकाशम को जाना जाता है। ये जितने भी हमने बताए सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों में कंफ्यूजन होता है कि बंगाल केसरी बिहार केसरी आंध्र केसरी। तो जो भी हैं यहाँ पर मेंशन कर दिए हमने, आप इन्हें पढ़ लें लिख लें याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था। ओके, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसमें जो खलीफा पद था 1924 में ख़त्म, क्या नाम इसे, खलीफा जो पद था इसे पहले ख़त्म कर दिया गया था, जो तुर्की के खलीफा पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड पे क्या किया करते थे, राज किया करते थे जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ होती थी, तो इस पद को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 1924 में फिर से इसे इस्तेमाल किया गया था इस पद को। तो ध्यान रखें आप, इसी पद को ये दोबारा पुनः प्राप्ति करना चाहते थे, जो खलीफा की जो पावर थी ब्रिटेन ने इसे ख़त्म किया था, खलीफा की जो पावर थी इसे मुस्लिम साम्राज्य के जितने भी देश थे वो प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया था इस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। ओके, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, इसमें कई नेता थे, मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, और इसका जो मेन लीडिंग भी कर रहे थे ये पाकिस्तान से कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो खिलाफत आंदोलन पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ये अली बंधुओं ने शुरू किया था, किसने, अली बंधुओं ने। तो ध्यान रखें, और इसकी जो लीडिंग कर रहे थे पाकिस्तान से खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। ओके, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसका भी सहयोग किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कई कारण थे, महात्मा गांधी से काफ़ी अच्छा रिलेशन था इनका। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, तो ये उपनाम है, ये सरनेम है, तो याद रखिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार, वायु वृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। कभी कभी पुरुष नहीं लगाया जाता, तो आप ध्यान रखें वायु वृद्ध भी लिखा होगा। ठीक है, तो वायु वृद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्या, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को वायु वृद्ध के नाम से या वायु वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। काफ़ी चर्चित पुस्तक है, बुक है, जो बहुत पूछी जाती है, हमने बुक वाले सेशन में इसे कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 9, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखें इसे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ पर लोकनायक था जिसे कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। ओके, इस तरह नाम इनका लिया जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो ये लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन बी पे जो मेंशन है बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11। 11 पे पूछा गया है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्या, चित्रंदन दास को जाना जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देश बंधु कहा जाता है। अब देख लेना बंधु के नाम से जो तीनों होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, एक साथ सेलेक्ट किए हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, अब यहाँ पर देखें दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आर्मी 2017
जीडी और ट्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है और भी न जाने कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये हमने एग्जामिंग किया था, हमने चेक किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, और भी न जाने कितनी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ध्यान रखें, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सी, ये लिखा है सी एफ एंड्रयूज को जाना जाता है। ओके, नील दर्पण जो पुस्तक थी उसी के ये लेखक हैं, उसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाता है, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण एक पुस्तक है जिसमें नील विद्रोह के बारे में बताया गया था, तो दीन बंधु इसके पुस्तक है। दीन बंधु का मतलब है सी एफ एंड्रयूज, सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। सी एफ एंड्रयूज का, दीन बंधु का जो नियम रियल नाम था ना दीन बंधु, वो सी एफ एंड्रयूज था, इन्होंने ही वो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नील दर्पण। क्या? नील दर्पण, ये पुस्तक बहुत फेमस है और इसी में जो नील की खेती ब्रिटिश लोग करवाते थे इंडियन से, इसका उल्लेख किया गया है इसमें। ओके, तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में करके पूछा जाता है कि नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का, नील विद्रोह का, या नील उसका, नील की खेती का? तो नील की खेती करवाई जाती थी, उसका उल्लेख किया गया है दीन बंधु के द्वारा, मतलब सी एफ एंड्रयूज के द्वारा किया गया। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन एसएससी सीजीएल एंड दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन सुन ले, क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सन्यासी विद्रोह है किस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है? सन्यासी पुस्तक का जो जिक्र किया गया है वो आनंद मठ में किया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई बार रिपीट किए हर एक स्टेट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें आप, बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? बंग मतलब है बंगाल, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शेख मुजीबुर रहमान को। क्या? शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे पूछा गया है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है या किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो इसलिए आप अपने आंसर जरूर बताया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन, अभ्यास से ही सब कुछ पाया जा सकता है किसी भी लक्ष्य को। ओके, इस बात को आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर इसका? भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, किसे? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला जो शासक था वो कौन सा था? समुद्रगुप्त था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला शासक कौन सा था, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त था, ठीक है। इसने कितने युद्ध लड़े थे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाला तो समुद्रगुप्त ने लड़े थे, लगभग 40 से ज़्यादा युद्ध इसने लड़े थे। ओके, और मोस्टली में सबसे ज़्यादा इसकी विजय हुई थी। तो क्वेश्चन आप पढ़ लें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, अब देख ले यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 16 पे पूछा गया है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। इनकी कई पुस्तकें अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये पुस्तकें इनकी जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखें भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी के एग्जाम्स में आ सकता है, इसलिए आप इग्नोर ना करें, क्योंकि अभी आपके अंदर कमी है तभी आपको सफलता नहीं मिल रही, इसलिए आप ध्यान रखें अभी आपको पढ़ना है। ओके, अभी आपके जख्म भरे नहीं, इसलिए आपको अभी पढ़ना है। ओके, तभी आप एग्जाम्स फाइट कर पाएंगे। यहाँ पर देखें, हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब कुछ पॉइंट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर को जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड लिख लें, लिटिल मास्टर ब्लास्टर, यहाँ पर लिटिल वर्ड भी आता है, ठीक है, लिटिल मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। जब केवल आपसे पूछा जाए लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर,
नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या है राइट आंसर? वेरी सिंपल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे गए सभी हैं लेकिन जो ज़्यादा रिपीट होते हैं उस पर हम स्ट्रेस करते हैं, आपको बताते हैं ठीक है। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, और कई बार ये PCS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन हर एक स्टेट से। ओके, अजात शत्रू के नाम से किसे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ओके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ही ना हो, शत्रु मतलब होता है दुश्मन, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखे अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस स्टेट से है, तो इनका संबंध बिहार से है, कहाँ से, बिहार से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लें आप, क्वेश्चन नंबर 21, राजा जी या CR के नाम से किसे जाता है, किसे जाना जाता है, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन और आर्मी और SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। CR अगर आपको मिल जाए, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को या CR के नाम से किसे जाना जाता है, हमने दोनों एक ही में इंक्लूड किए हैं, आप इसे अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। ओके, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी या CR के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में जो पॉइंट पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में उन पर थोड़ा फोकस करें। क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो आप बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो कौन थे गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप इनका नाम नहीं बताएंगे, फिर आप बताएंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जब पूछा जाए भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप बताएंगे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जब आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, जब वर्ड भारतीय लग जाए तब आप इनका नाम लेंगे श्री चक्रवर्ती गोपालाचारी का, ठीक है, और ये भारत के भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ओके, जब पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी आप बताएंगे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। लेकिन जब भारतीय वर्ड लगेगा, भारतीय शब्द मतलब इंडियन, तब आप ऑप्शन सी आंसर बताएंगे। ओके, जब केवल पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से थे, तब आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कराया था, टेस्ट नंबर थी उसकी 14, ठीक है, 14 टेस्ट सीरीज आप देख लेना, उसमें सभी अच्छे से हमने कवर किया है, वहाँ पर आप देख लें अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 22 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताने की कोशिश किया करें, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, क्या है राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है, विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। इन्हें एक वर्ड और याद रखें, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, गुरुदेव के नाम से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, क्या, नोबेल पुरस्कार मिला था, और किसमें मिला था, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये अभी हाल ही में पूछा गया एग्जाम्स में, और कई बार ही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो 1913 में मिला था इन्हें, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में, और इन्हें सबसे इंडिया में जो पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही मिला था। इनको किस पे मिला था, एक इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि, क्या नाम है, गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक इन्होंने लिखी थी या लिटरेचर लिखी थी, तो इसी पर इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज़। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। पुस्तक कब लिखी गई थी, 1912 में लिखी गई थी, रिव्यू हुई थी तब इसे 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, तो ध्यान रखें इन्हें लिटरेचर या साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, मतलब भारत की ओर, भारत में जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आया था। ओके,
अब देख लेने, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 23 पढ़ लें। 23 पे दिया गया उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पीटी ऊषा को जाना जाता है। इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। एक वर्ड और लिख लें, गोल्डन, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। ओके, ये एक रनर थी, धावक थी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 24 आप पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। यहाँ पर है ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर महात्मा गांधी आप लिख लेना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या? मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा गया शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ें आप अपनी स्क्रीन पर 26 पे पूछा गया है राष्ट्रपिता बापू जी या बापू के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या होगा राइट आंसर? काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या? महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। अब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट 27 निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एनी बेसेंट को जाना जाता है। किसे? एनी बेसेंट को। इनको लेके जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे मैं बताना चाहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तब आप बताएंगे एनी बेसेंट थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब सरोजनी नायडू थी। ये 1925 में बनी थी कानपुर में, और 1917 में ये कोलकाता में बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इन दोनों को लेके बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान दें, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो आप बताएंगे एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, भारतीय वर्ड लगेगा, तब आप बताएंगे सरोजनी नायडू थी। सो कांग्रेस की प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? आप बताएंगे सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। कहाँ बनी थी? कानपुर में बनी थी। ओके, तो ये क्वेश्चन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने बताया, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ें 28, ये लिखा है राजर्षि के नाम से किसे जाना जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्या? पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है, राजर्षि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना अच्छे से अपने हिसाब से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 29, भारतीय क्रांतिकारी की माँ किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, एनएसएससी सीजीएल्स एंड भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है इन्हें। ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक हैं। कौन? मैडम भीखाजी कामा रुस्तम। इन्होंने ही स्टुअर्ट जर्मनी में अपने देश का तिरंगा फहराया था सबसे पहली बार। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। और कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट में फैलाया था। ये कहाँ है? ये जर्मनी का एक शहर है। ओके, तो ध्यान रखें, भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है। ये भारतीय मूल की थी और फ्रांस में रहती थी। ओके, तो इसलिए फ्रांसीसी नागरिक कहा जाएगा। ओके, तो ध्यान रखें, भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है। एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, एक रचना की थी इन्होंने तलवार नाम से, क्या? तलवार नाम से एक रचना की थी, तो उसके जो रचयिता कौन है या लेखिका कौन है? तो ये मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, कभी कभी इन्हें भीखाजी कामा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आप पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर पे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, पढ़ लें आप क्वेश्चन अच्छे से, फिर अपना आंसर बताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भगत सिंह को जाना जाता है, शहीद ए आजम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप,
मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पे जो लिखा है शहीद आजम के नाम से इसको क्या कहते हैं भगत सिंह को जाना जाता है, इनको लेके जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ध्यान रखे 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? भगत सिंह की याद में। इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? इनकी समाधि फिरोजपुर में है। फिरोजपुर कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, मतलब फिरोजपुर लाहौर के पास पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी हुई थी। ओके, तो ध्यान रखना इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लोकप्रिय बनाया था वो सरदार भगत सिंह ने बनाया था। इनसे लेके जो क्वेश्चन पूछे जाते थे हमने आपको बता दिए। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो भगत सिंह की याद में मनाया जाता है, और लेकिन जो 30 जनवरी को मनाया जाता है वो महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान रखें। और कुछ पॉइंट हैं, आप इन्हें भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर देख ले, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है कायदे आजम के नाम से। अब क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में पूछा गया है लिटिल कारपोल के नाम से, ये क्वेश्चन लेके कई बार पूछा जा चुका है, मैन ऑफ डिस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तब आपका आंसर होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। ओके, मैन ऑफ डिस्टिनी के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। और इसका दूसरा सरनेम क्या है, उपनाम? लिटिल कारपोल के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइट में बहुत छोटे थे लेकिन काफ़ी बड़े बड़े कार्य किए, बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े और भी कई बड़े बड़े कार्य किए, इसलिए इसे लिटिल कारपोल कहा जाता है। ओके, मैन ऑफ डिस्टिनी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने एडिशनल जानकारी आपको दी। ओके, खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी सीजीएल्स एंड रेलवे एंड टी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चैनल पे नए ही से आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड होती है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतर होगी। आप कितना भी पढ़ ले, अगर आप उसका रिविजन्स या टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते तो आप ये समझे कि आपको अभी कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज आपका मेच्योर होता है। इसलिए आप चाहे थोड़ा कम पढ़े लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें। आप एक क्वेश्चन की या एक टेस्ट सीरीज की आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया करें। ठीक है, इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। ठीक है, आपको एग्जाम्स में हेजिटेशन महसूस नहीं होगी, आपके अंदर एक विश्वास होगा कि हाँ हमने इसका आंसर पढ़ा था। और आप जो भी बुक से पढ़ते हैं, जिस भी बुक से पढ़ते हैं, आप उसे ज़रूर पढ़ें। फिर इसके बाद जो चीज़ आप चैनल्स पर पढ़ते हैं तो उस पर भी ध्यान दिया करें कि आपको जो कंपेरिजन करके पढ़ाया जाता है, हाँ अगर ये ऑप्शन होगा तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। आप बुक में तो पढ़ लेते हैं लेकिन आपको क्या है वहां पर कंपैरिजन नहीं मिलता, तुलना नहीं कराई जाती एग्जाम्स या जो भी आप बुक पढ़ते हैं। तो ठीक है, इसलिए आपको अदर रिसोर्सेज भी फॉलो करने चाहिए, चैनल्स वगैरह, ताकि आपके जो भी माइंड में कंफ्यूजन हो वो भी क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपको कंपैरिजन करके पढ़ाया जाता है ताकि आपको मौका मिले एक एक्सपर्ट से पढ़ने का। ओके, और जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं खासकर हम उन क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में सफलता मिल सके। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम्स में आ ही जाए, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपके एग्जाम्स में आए। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी होता है। मान लो आपने ये जो 3 क्वेश्चन पढ़े कोई भी, ठीक है, अगर आपको पता है कि हाँ इसके सरनेम ये था, इसका सरनेम ये था, तो जो चौथा होगा बाय द वे आपको नहीं भी आता तो आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। यही होता है कि आप उसको क्रैश करके निकाल सकते हैं एग्जाम्स को। मान लो तीन के आंसर आपको आते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, मैन ऑफ डिस्टिनी के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। अगर आपको मान लो 3 ही आते हैं, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट नहीं फंसता क्वेश्चन, तब समझे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि शांति पुरुष आ गया, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको अगर पता होगा 3 का आंसर अगर आपको पता है या 3 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो चौथा आप अपने मन से क्रैश कर लेंगे, आप अपने मन से उसे फाइट कर लेंगे कि हाँ इसका आंसर यही होगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, यही बताया जाता है आपको कि इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, क्योंकि आपका अगर सही मार्गदर्शक होगा तो आपको सफलता जरूर अवश्य मिलेगी। ओके, अगर चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।